हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, ये तीसरा ब्लॉग है। तो मैं सोच ही रहा था कि तीसरा ब्लॉग में क्या बनाया जाए, फिर दिमाग में आइडिया आया क्यों ना आज का जो ब्लॉग है तीसरा मेरे गांव के ऊपर ही बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने गाँव घुमा के लाता हूँ। ये तो था मेरा गांव। दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव के बाजू में एक पहाड़ है जिसे राम पहाड़ के नाम से जाना जाते हैं। राम पहाड़ के नाम से दोस्तों इसलिए जाना जाते हैं क्योंकि मेरे गांव के लोगों का मानना है कि जब श्री राम वनवास में थे तो इस पहाड़ पर आए हैं। उनका जो दाहिने पैरों का जो निशान दोस्तों अभी भी है। हर नवमी के दिन यहाँ पर पूजा होते हैं। बहुत दूर दूर से गाँव के लोग आते हैं, उनका पैरों पर पूजा किया जाते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहाड़ की ओर और आपको दिखाता हूँ मैं श्री राम जी के पैरों के निशान। ये जो पहाड़ है इसे राम पहाड़ के नाम से जाना जाते हैं। राम पहाड़ के नाम से इसलिए जाना जाते हैं क्योंकि हमारे गांव वाले को मानना है कि जब राम जी वनवास में थे तो ये पहाड़ पे आए थे, उनका पैरों के निशान है। दोस्तों, यहाँ पर नवमी के दिन पूजा पाठ होते हैं, राम नवमी के दिन। और यहाँ पर बड़े ही दूर से लोग आते हैं, राम जी के पैरों के पूजा होते हैं। तो राम जी के पैरों के जो निशान है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। चलिए तो राम जी के पैरों के निशान की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर का चट्टान है और श्री राम जी के पैरों के निशान अभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए, श्री राम जी के पैरों के निशान है। यहाँ पर रामनवमी के दिन पूजा होते हैं और बहुत ही दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, ये जो पानी है आप देख सकते हैं, ये जो पानी है कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। लोग जब मन्नत मांगने के लिए आते हैं तो ये पानी अपने सर पर लगाते हैं और घर पर भी लेके जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, श्री राम जी के पैरों के निशान, श्री राम जी के दाहिने पैरों का निशान है और ये उंगली का निशान आप देख सकते हैं। दोस्तों, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जब श्री राम जी यहाँ पर आए थे तो ये जो चिन्ह है, जड़ी बूटी पीसा, यहाँ पर जड़ी बूटी पीसा करते हैं। जड़ी बूटी पीस, आप देख लीजिए, ये पूरा समताल टाइप का आपको लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग का इंतजार करेगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए नए नए और मज़ेदार वीडियो लाते रहूँगा।